अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, वर्क प्लेस पे फुल गंद मचा हुआ है, एज यू कैन सी। हर चीज़ बिखरी हुई है वर्क प्लेस पे। जो इस टाइम हशर मचा हुआ है ना, और बैकग्राउंड नॉइस चेक करें। देखिए मैं सुबह आई थी 8 बजे, 8:30 नहीं 7:30 आई थिंक आई थी छत पे, और मैंने देखा कि भैया आज बारिशों का सीन नहीं है, तो मैं क्यों ना इनकी शक्लें जो हैं, वो जो पर्दे डले हैं, उठाऊं ऊपर से टेक्सचर को बाहर निकालूं। और फिर मैंने सारा टेक्सचर्स को उठाया कह रही हूँ, शीट्स को उठाया, और सब टेक्सचर्स में से जो पानी था वो निकाल के फेंका, इसमें से पानी निकाल के फेंका। अभी मेरी वर्क प्लेस पे अंत का गंद मचा हुआ है, अंत का। ये देखिए, और शोर भी अंत का है। ये सारा जब बारिश होती है तो पानी भी बहता सारा वगैरह, ये वो चीज़ है। और इतना अंत का गंद मचा हुआ है ना, बल्ले बल्ले खाओ नहीं भले। ये देखें, ये सारी डर्ट फैली है, गंदगी, यू नो टेक्सचर्स की, ना कि कुछ और ही है। टब में पानी पड़े पड़े गंद जमा हो गया था, स्मेल आ रही थी पानी की, बारिश की पानी की स्मेल हो जाती है। मैंने वो सारी ब्रिक्स बाहर निकाली, चूरा बाहर निकाला जो मुझे क्रश करके अपने ग्रिटी रेड में मिलाना है। मतलब बहुत ही गंदे तरीके किस्म का जो है ना कचरा मचा हुआ है। मेरी शेपे नहायत खूबसूरत लग रही है। चले मैं आपके लिए एक शेप क्रम्बल कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं ग्रिटी रेड को देखती हूँ ना, तो अक्सर सब्सक्राइबर्स का दिल चाहता है कि रेड में जो है ना इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करे। तो भाई मैं आपको बता रही थी कि इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग के लिए ना, तो भाई शेप मुझे ना ज़्यादा जो बड़ी शेप होती है ना, उनको नहीं दिल करता कि मैं ब्लॉग में क्रम्बलिंग करूँ। हाँ छोटे छोटे पीसेज वो बंदा कर देता है, लेकिन पूरी शेप डिस्ट्रॉय करूँ मैं, क्योंकि देखिए आपके सामने टेक्सचर कितना थोड़ा सा है। और ये सरहद से बाहर जा रहा है, देखिए इसकी शक्ल देखें कितनी गंदी हो गई है डस्ट पड़ पड़ के। वह इसकी तो क्रम्बलिंग ही नहीं हो रही मेरे से, क्योंकि मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में, तो एक हाथ से पीस तोड़ना और एक हाथ से शेप तोड़ना ना आसान नहीं है। इसकी बाड़ी पता नहीं कब आएगी क्रम्बलिंग की, शक्ल इसकी बड़ी खूबसूरत हो गई है। मैं सारी वर्क प्लेस साफ करूँगी, मुझे क्लीनिंग ब्लॉग की रिक्वेस्ट आई है, बट मैं पता नहीं क्लीनिंग ब्लॉग बनाने के लिए ना बड़ा स्यापा करना पड़ता है। ये देखिए मेरी रेड रेड की शेप्स टूट गई थी, ये देखें। अभी तो मैं इसकी क्रम्बलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी डैम्प है, और डैम्प रेड रेड को क्रम्बल करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अभी जो मैंने उस दिन रेड डर्ट की पे, ये देखिए मेरा ग्रिटी डर्ट स्टोनी डर्ट जो है, मेरा टेक्सचर क्या हाल हो गया। देखो मैंने जो रेड डर्ट की शेप फिल की थी ना, आप चेक कर ले, नहायत हसीन टेक्सचर लग रहा है। टूट गए सारी शेपें मनूस। ऐसे कोई चिप्स फ्राई कर रहा है मज़ेदार। और आपको दिखाती हूँ भाई, अभी भी स्लैब्स का स्टॉक पड़ा हुआ है क्रम्बलिंग के लिए, थोड़ा दिल को संभाल ले परे, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि रेड क्वीन फिर स्लैब्स लेकर आ गई, क्योंकि अभी पड़ी हुई है 2-3 टेक्सचर की स्लैब्स। सो ये मेरा पता नहीं कौन सा टेक्सचर है, ना बताएं, मैं खुद ही बता देती हूँ, ये मेरी येलो डर्ट है।
मैंने कहा कि अभी धूप में है तो मैं थोड़ी सी ब्लॉग की क्रमलिंग कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी चबलों वाली क्रमलिंग, क्योंकि टेक्सचर ज़्यादा क्रम्बल करती हूँ ना तो वीडियो बड़ी छोटी बनती है मेरी। आप खुद देख लें मेरी वीडियो 5, 6, 5.5, 4.5 इतने मिनट की, कभी बड़ी हो गया 8 मिनट की बन गई, अदरवाइज़ मेरी वीडियो इतनी लेंथ ही नहीं होती है, का इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता। सही है, तो मैंने फिर शोर भी हो रहा बैकग्राउंड में, चले इसको मैंने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। ये देखिए प्यारी डर्ट है, येलो है, लग नहीं, पता नहीं अंधेरा इस तरफ, इसलिए मैंने सैंड का पीस निकाल के रखा था। मैंने कहा था कि मैंने ये जो मेरी ऑल डर्ट क्रम्बलिंग है ना उसमें कर दूँगी, पर सूरत हाल लग नहीं रही मुझे, ऑल डर्ट टेक्सचर की क्रम्बलिंग आएगी। देखिए सारी मैंने शेप्स निकाल के रखी हुई हैं, और ये मेरा वो टेक्सचर है रियू सीमेंट। गंद मचा हुआ तो गंद मचे, गंद में और गंद मचा दो। टोटे जाए मनूसिया पीस की दरिया बढ़ा ली, स्लैब्स की वीडियोस आएंगी जल्दी। फिलहाल यो मैंने आपके लिए काफ़ी सारी क्रम्बलिंग कर दी है, ये ना जो टेक्सचर में से नहीं निकलती डर्ट ये वो थी, मैंने कहा था कि मैंने इसकी क्या कहते हैं ये देखिए ब्राउन डर्ट है ये, ओए क्या मनुष्य थी ये, अरे ज़रा इसमें करते हैं बहुत ही चुंगा थी इसमें, क्या गंद गया होगा, ये क्या चीज़ है, जब तक हम ये क्रम्बलिंग कर रहे तब तक धूप थोड़ी सी ओली हो जाएगी। वो डस्ट हो रही है, मैं उठा लूंगी भी चले।
फिर हमने मिलाना इसको, ये जो ब्राउन डार्क है। अंत की डस्ट हो रही है भाई इसकी। मैंने कहा आज मैं वेली हूँ, भी थोड़ा काम करना है, सफाई करनी है, तो मैं क्यों ना स्टार्ट में थोड़ी क्रमलिंग कर दूँ, उसके बाद गंदे जो उठा लूँगी आराम से, क्योंकि सफाई करके क्रमलिंग करने का मज़ा नहीं आता, गंद डालने वाली बात होती है, दोबारा से कैसे बिखर जाते हैं, सफाई हुई होना तो नहीं मज़ा आता। चलें भाई इसको मैं भी उठाती हूँ, वो डस्ट है भाई, लीव दिस। अभी इन कुछ नियम छेड़ सकते हैं, बहरहाल मैं थोड़ी सफाई कर लूँ, फिर व्लॉग का बाद में आगाज़ करेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ अभी इसकी डर्ट की स्लैब्स पड़ी हैं, उसकी भी पड़ी हुई है मड के, और ये रेड क्वीन क्वीन रेड क्वीन डर्ट की, तो भाई अभी बर्दाश्त कर लें, हिम्मत कर लें। जिनको बड़ी इरिटेशन होती है ना मेरी स्लैब्स से अभी, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी और हिम्मत कर लें, बर्दाश्त कर लें। जब ये सीरी ख़त्म हो जाएगी ना इसकी, तो मैं फिर इसका नाम नहीं दोबारा लूँगी, लेकिन अभी के लिए बर्दाश्त कर ली थी। छोड़ा करते एक सब्सक्राइबर कर दिए, आपकी मड का कलर ख़राब हो गया? नहीं भाई, देखिए कलर ये मुड़ा, आते टाइम वीडियो बनाई थी ना, इसलिए उसका रिजल्ट गंदा आ रहा था, बट इसका कलर ख़राब नहीं हुआ अभी, देखिए। आज आपका फुल क्रमलिंग व्लॉग, मैं नई मड का टेक्सचर बनाऊंगी दोबारा, लेकिन अभी नहीं, फ्रेश मड, ठीक है? आप देख रहे हैं फिर, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, इसको करने के बाद मैं मोबाइल रख रही हूँ, क्योंकि मुझे खलाड़ा मैंने बहुत डाल दिए टेक्सचरों के ऊपर ही, तो भाई बहुत ज़्यादा मैंने मड की क्रमलिंग कर दी है। चले मैं लीव दिस होने भी, पता नहीं जब हम क्रमलिंग करने बैठते हैं तो मेरे अंदर भूत बहुत आ जाता है क्रमलिंग का। चलो भाई छोड़ो इसको, अब हम मिलेंगे आपसे बाद में, सफाई कर लें थोड़ी बहुत, वो मैं आपको करते हुए दिखा दूँगी फिर, ठीक है? अभी के लिए ज़रा मोबाइल को ज़रा ट्राईपॉड पे लगा दूँ मैं।